नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड 12th रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया छत्तीसगढ़ सरकार और छत्तीसगढ़ एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। अब हम आपको इस पूरे वीडियो में ये चीज़ें बताएंगे भी आखिर आप अपना रिजल्ट कहाँ देख सकते हैं और अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको आगे क्या करना होगा, क्या प्रक्रियाएँ हैं और रिजल्ट को किस तरीके से वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले ताकि आपको खबरों के अलावा रोचक जानकारी और शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें भी मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने आज 10 मई को छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। राज्य शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 79.96% स्टूडेंट पास हुए हैं। जो छात्र इस वर्ष छत्तीसगढ़ बोर्ड 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए वे अपने रोल नंबर की मदद से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cgbsc.nic.in और result.cg.nic.in पर भी अपनी ई मार्कशीट चेक कर सकते हैं। अब अगर आप वेबसाइट पर जा रहे हैं तो किस तरीके से वेबसाइट पर जाना है, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट result.cg.nic.in पर विजिट करना है। उसके बाद होम पेज पर इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिंक को क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना रोल नंबर जो है उसमें सबमिट कर दें और रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड कर सकते हैं आप। अपनी मार्कशीट का एक प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। अब सवाल ये है भी इस वर्ष छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 6.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे। कक्षा 12वीं में 3,27,935 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी जिनके नतीजे आज जारी कर दिए गए हैं। जो स्टूडेंट किसी एक विषय में फेल हुए हैं वे कंपार्टमेंटल एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। कंपार्टमेंटल परीक्षा की डेट समेत किसी भी अन्य जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें जिसमें ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।